मेरा नाम है सुखराज। आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ एक सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव फेस पैक बनाना। ये जो फेस पैक है आपके डल बेजान स्किन जो है उसको ब्राइटन एंड ग्लोइंग बनाएगा। अगर आपके चेहरे पे एक्ने पिंपल्स हैं तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करेगा। अगर आपके चेहरे पे पिंपल मार्क्स, डार्क स्पॉट्स या सन टैनिंग है उसको भी ये फेस पैक जो है वो कम करने में हेल्प करेगा। इस फेस पैक के यूज से आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्राइटन एंड ग्लोइंग हो जाएगी। तो चलिए इस फेस पैक को जो है वो बनाना सीखते हैं। ये जो फेस पैक है इसको हर स्किन टाइप के लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमको चाहिए 3 इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ग्राम फ्लोर माने बेसन। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून बेसन ले रही हूँ। बेसन एक नेचुरल क्लेंजर एंड एक्सफोलिएटर है। ये डेड स्किन सेल्स एंड सन टैनिंग को कम करने में हेल्प करता है, सीबम प्रोडक्शन को कम करेगा, पिंपल एक्ने को भी ठीक करने में हेल्प करेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ हनी। यहाँ पे अराउंड 1/2 टेबलस्पून जो है मैं हनी लूंगी। हनी में एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्किन से एक्ने पिंपल स्किन इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ लेमन जूस। यहाँ पे अराउंड में 1/2 टीस्पून जो है वो लेमन जूस लूंगी। लेमन जूस विटामिन सी से रिच होता है। ये एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट भी है। डार्क स्पॉट्स पिंपल मार्क्स को लाइटन करने में ये आपको हेल्प करेगा। ये जो मिक्सचर है इसको मैंने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है और ये फेस पैक जो है वो रेडी हो चुका है। इस फेस पैक को लगाने से पहले ना आपको अपने फेस को जो है वो वॉश करना है। फिर ये जो फेस पैक है इसको आप लें, अपने स्किन में जो है अच्छे से लगाएं। 15 मिनट्स के लिए आपको वेट करना है। 15 मिनट्स के बाद में ये जो फेस पैक है इसको आपको वॉश करना है। एक अच्छे रिजल्ट के लिए ना ये जो फेस पैक है इसको आपको वीक में ना 2 टाइम जरूर यूज करना है। गाइज अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, बेल आइकन जो है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।